हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं प्लाचक वैली और हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है बीड़ बिलिंग से और आगे का सफर आपको बताते हैं। साथ में बने रहिए, चलते हैं। अपने साथी जो हमारे साथ जा रहे हैं कैंपिंग में, और ये रही है हमारी धन्नो, इसमें हम जाएंगे। झोला उठा के चल दिए हैं हम, और अभी ट्रैक काफ़ी ज़्यादा दूर है, हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है, ना जाने वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा ना हो जाए, इसलिए चलते हैं। रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और लेकिन हम आधा रास्ता करेंगे, बाइक से कवर करेंगे और आधा रास्ता हमें पैदल जाना पड़ेगा। काफ़ी प्यारा यहाँ से पहाड़ों का व्यू, झोलाधार की यहाँ पर से खूबसूरत पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये हम पहुँच गए बिलिंग के दूसरे साइड से, और यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहे। यही गाड़ियाँ जा रही हैं, चारों तरफ धूल ही धूल, कच्ची सड़क। अभी तक यहाँ का रोड पक्का नहीं हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है और पूरे हम धूल से भर चुके हैं। रास्ते में लगा है यहाँ पर सड़क का काम। इन खूबसूरत पहाड़ों की तरफ हम जाते हुए, और यहाँ पर काफी अच्छी ठंडी हवाएं चली हुई है। वहाँ टॉप पे है काफी अच्छे भरे भरे बर्फ से भरे हुए ग्लेशियर्स, और ये रहे यहाँ पर सामने यहाँ के गांव। यहाँ पर रुके हैं हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने के लिए, कुछ साथी हमारे पीछे रह चुके हैं इसलिए हम उनका वेट कर रहे हैं। फिर हम लोकेशन के साथ, काफ़ी खूबसूरत पहाड़ यहाँ से दिख रहे हैं। चल रहा है यहाँ पर फोटोशूट, लिया हमने मैगी का आनंद। फिर से हम चल दिए अपने आगे के सफर के लिए, थोड़ी आगे जाकर हम खड़ी कर देंगे अपनी बाइक, और फिर हमें करना पड़ेगा पैदल ट्रैक अपने हनी भाई राइडर। अभी हम हैं राजगुंदा वैली में, और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। रोड थोड़े ख़राब हैं, लेकिन अभी काम चला हुआ है रोड का। कच्चे रास्तों को पार करते हुए यहाँ पर रोड का काम अभी चला हुआ है, इसलिए ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा है। वो सामने रही हमारी डेस्टिनेशन इन पहाड़ों में। काफ़ी ख़राब रास्ता, यहाँ से बाइक से उतरना पड़ा। काफ़ी प्यारे खेत, और यहाँ से बहती हुई उल नदी, काफ़ी सुंदर व्यू। पर बनाया है शौचालय, लेकिन ना जाने यहाँ पर कौन बैठता होगा इतने खुले हुए, इतना क्लियर पानी है यहाँ से, पूरा सीधा ग्लेशियर से आ रहा है। काफ़ी सुंदर व्यू। प्लाचक वैली हम जा रहे हैं अभी राजगुंदा वैली से, वो सामने हमारी डेस्टिनेशन प्लाचक वैली। यहाँ से शुरू होगा हमारा पैदल रास्ता, और देखते हैं कब तक हम यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। मिले हम एक नेचुरल सब्जी, लिंगडू, या फिर लुंगडू भी बोलते हैं हमारी भाषा में। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हालत हो चुकी है ख़राब, लेकिन रास्ता अभी बहुत ज़्यादा दूर है। मिला हमें भेड़ पालकों का डेरा और उनके दो पहरेदार जो कि सो रहे हैं। इन्होंने तो अपना तंबू लगा लिया था, लेकिन हम अपना तंबू पता नहीं कब लगाएंगे। हमारी डेस्टिनेशन अभी काफ़ी ज़्यादा दूर। से में मिला हमें अपना दोस्त, ठीक। पहाड़ों में जाने का एक ये बात भी है, आपको कुत्ते हर जगह मिलेंगे, और वो आपके साथ चलेंगे जहाँ तक आप जा रहे हैं। आधे ट्रैकर भाई काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, हालत ख़राब हो चुकी है इनकी। चंडीगढ़ रिटर्न। हमारे भाई बोल रहे हैं कि अगली बार आएंगे हेलीकॉप्टर में, रही सी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम हिमाचल के बंदे बिल्कुल फिट एंड फाइन। पे यहाँ पर है नेचुरल वाटर सोर्स, फोटो शूट करवा के ही नहीं मान रहे। पहाड़ों में धूप पड़ रही है, जो कि यहाँ से काफ़ी प्यारी लग रही है। काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा है, सामने दिखा काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल, लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है।
फाइनली हम पहुंच गए अपनी लोकेशन में। पहाड़ों पर अभी भी बर्फ पड़ी हुई है। चलो चलो। वेलकम बैक गाइज इस खूबसूरत सुबह के साथ। तंबू जहां पर हमने रात बिताई। रात तो काफी अच्छी रही, नींद तो नहीं आई लेकिन इंजॉय किया। अब हम जाएंगे वापस घर के लिए, तो आपको बताते हैं रास्ते की जर्नी। हमारे साथी घर वापसी। काफी लंबा सफर तय करने के बाद हम पहुंचने वाले अपने बाइक के पास। हम पहुंच गए अपनी बाइक के पास। हाँ आगे का सफर अब हम धन्नो में तय करेंगे।